बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी। मैं आज साइटोलॉजी के एक नए पड़ाव पे आप लोगों को वीडियो क्लास का लेक्चर अपलोड करते करते पहुंच गया हूं। मैं उस नए टॉपिक के बारे में आइडिया दूं इसके पहले बच्चों के द्वारा बता रहा हूं। कुछ बच्चों ने चाहा कि ये आपका वीडियो है जिसमें आप बोलते हैं, उससे हम नोट्स कैसे बनाएं। उसके लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका नोट्स बनाने का आइडिया है उसको आप पॉज करके, थोड़ा टाइम लगेगा, बना सकते हैं। दूसरा क्वेरी है कि आप बोर्ड पे यदि क्लासरूम की तरह लिखते तो हम भी लिख सकते थे। हाँ, ये संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में जो वीडियो की लेंथ है बहुत लंबी होगी और जो हमें परेशानी आ रही है कि अभी मेरे पास एक अच्छा मोबाइल स्टैंड नहीं है कैमरे के लिए, और जब तक वो मोबाइल स्टैंड लॉकडाउन खत्म होगा तभी मिल पाएगा, और उसके मिलने के बाद ही हम बोर्ड पर लिखते हुए नजर आ सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप वीडियो को पास करके अपना नोट्स बना सकते हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रखे हैं वो तो क्विक रिवीजन के तौर पे भी इस वीडियो को आसानी से यूज कर सकते हैं। उनके आगामी चाहे एंट्रेंस के जो भी एग्जाम आने वाले हैं सब में ये काम आने वाला है। अब आते हैं टॉपिक पे। हमने सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे, प्लास्टिक से लेके सीलिया प्लेजला तक, सभी के बारे में वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। अब हम ऑर्गेनेल से आगे सेल के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं, एंड इट्स नेम इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। द पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट जहां पे होता है उसको हम न्यूक्लियस न कह के इनसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉइड कहते हैं, और उनके जेनेटिक मटेरियल को जीनोफोर कहते हैं, विच इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर इज डेफिनेट न्यूक्लियस। डेफिनेट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। इतनी चीजें होती हैं। देयर इज नो इंडिपेंडेंट डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इस वजह से वहां पे डीएनए क्रोमोजोम में कन्वर्ट नहीं होता। यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होने के कारण यूकैरियोट का डीएनए हिस्टोन से कंपोज होकर क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक है जबकि डीएनए का नेचर एसिडिक है, इसलिए वह इजिली कंपोज आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी पहली बार, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन एपिडर्मल सेल ऑफ प्लांट्स। न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइफ इन सेल इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम कैरी ऑन भी कहते हैं। The controlling center of cell is nucleus and it was experimentally proved by an experiment of J. Hamerling on acetabularia. Acetabularia is a unicellular marine green alga. Iski length kareeb 10 se 12 cm hoti hai, jabki isme cell ek hi hoti hai. Usually, every eukaryotic cell has at least one nucleus. But in case of human RBC, there is no nucleus. But in case of sieve tubes of phloem, there is no nucleus. It means
human RBC and sieve tubes, sieve tube of phloem are anucleate eukaryotic cell. Mostly eukaryotic cells are uninucleate. It means they have only one nucleus, but in members of oomycetes, zygomycetes, a cell has many more nuclei. This condition is multinucleate condition. इसी तरह से मसल सेल्स, कुछ ऐसे भी मसल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस की संख्या एक से अधिक होती है. मल्टीन्यूक्लियेट प्लांट सेल इज नोन एज सिनोसेटिक सेल. फिर से बोलना है, यदि कोई प्लांट की सेल मल्टीन्यूक्लियेट हो तो उसके लिए टर्म है सिनोसेटिक सेल. मल्टीन्यूक्लियेट एनिमल सेल इज नोन एज सिंसिशियल सेल. फिर से बोल रहा हूं, एनिमल की मल्टीन्यूक्लियेट सेल को सिंसिशियल सेल कहा जाता है, प्लांट की मल्टीन्यूक्लियेट सेल को सिनोसिटिक सेल कहा जाता है. आपने मशरूम नाम सुना होगा, एगेरिकस जो मशरूम है, इट इज फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी मतलब सेक्स ऑर्गन उसका, फंगस का. जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है इट इज बेसिडियोमाइसीट्स. और मशरूम के हर सेल में दो दो न्यूक्लियस होता है. इट इज डाइकैरियोटिक. ए सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक. अब स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं. एक न्यूक्लियस, जो टिपिकल न्यूक्लियस जिसको आइडियल हम मान सकते हैं पढ़ने के लिए, इसके फोर कंपोनेंट्स हैं. इनके क्रम से नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. इसको अब आगे हम बोर्ड के माध्यम से एक्सप्लेन कर देते हैं. यह आपके सामने बना हुआ टिपिकल न्यूक्लियस का डायग्राम है. यह टिपिकल न्यूक्लियस अपने सारे कंपोनेंट को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है. इसका सबसे बाहरी आवरण, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, यह दो यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है. टू यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है. सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मे बी एसोसिएटेड विद RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम. HTS राइबोसोम क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह उसी सेल में होगा जो यूकैरियोटिक होगी. यूकैरियोटिक सेल की जो पहचान है उसका नाम HTS राइबोसोम. बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाई ए स्पेस एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका स्पेस का डायमेंशन भी लिखा हुआ है 100 to 150 एंगस्ट्रॉम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर कैरियोथीका भी कहा जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओ हर्टविक. ध्यान देना है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन वाइल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओ हर्टविक. ये दोनों अलग अलग हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में इसमें स्पेस, खाली स्पेस होता है. इस खाली स्पेस को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. इस खाली स्पेस को न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसका डायमेंशन लिखा हुआ है 300 to 500 एंगस्ट्रॉम. न्यूक्लियर पोर प्लेज द रोल ऑफ कंट्रोलिंग ट्रैफिक बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. कोई सी न्यूक्लियोप्लाज्म से
न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में आ रही है या साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगी, वह जिसके माध्यम से आएगी वह न्यूक्लियर पोर है। और न्यूक्लियर पोर का शेप इट इज ऑलवेज ऑक्टागोनल, आठ भुजाओं का बना होता है, ऑक्टागोनल इन शेप। न्यूक्लियर पोर इज ऑक्टागोनल इन शेप। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाई एनदर थीन प्रोटीनेसियस मेम्ब्रेन एंड इट्स नेम इज न्यूक्लियर लेमाइना। न्यूक्लियर लेमाइना इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर लेमाइना इज टू मेंटेन डेफिनेट शेप ऑफ न्यूक्लियस। इट कीप्स न्यूक्लियर पोर इन पोजिशन एंड रेगुलेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। जो फ्लूइडल चीजें न्यूक्लियस के अंदर है, इट इज होमोजेनस फ्लूइडल सबस्टेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। हम न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए और भी टर्म यूज करते हैं, उसमें से एक है न्यूक्लियर सैप, या इसके लिए एक और टर्म है कैरियोलिम्ब। ये सब एक ही न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए टर्म यूज होते हैं, न्यूक्लियर सैप, कैरियोलिम्ब या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटीनेसियस होमोजेनस फ्लूइडल सब्सटेंस इन विच क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस आर फाउंड इम्बेडेड। क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस जिस तरल पदार्थ में न्यूक्लियस के अंदर डूबे होते हैं उसी का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज मोर देन साइटोप्लाज्म। यही नहीं, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली अल्कलाइन, इट रेंजेस इन बिटवीन 7.6 टू 7.8। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इट इज ऑल्सो साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। यहां ध्यान देने की बात है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस कहां होती है, जहां उससे संबंधित उसके एंजाइम होते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। इट मींस बोथ एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज आर आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा इसमें न्यूक्लियोसाइड सिंथेटेज और ढेर सारे नाइट्रोजन बेसिस भी पाए जाते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस के अगले कंपोनेंट के ऊपर, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। यह न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, इट वाज फर्स्ट टर्म्ड बाय बाउमैन, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय वैगनर। इसके स्ट्रक्चर में चार कंपोनेंट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पार्स ग्रैनुलोसा, दूसरे को बोलते हैं पार्स फाइब्रोसा, तीसरे को बोलते हैं पार्स एमार्फा और चौथे को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमोसोम का वह पार्ट जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस बनाता है उसको हम NOR कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जिस क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होगा वही न्यूक्लियोलस बनवाएगा। न्यूक्लियोलस का एक कंपोनेंट जिसको हम पार्स ग्रैनुलोसा कहते हैं, वह न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल रीजन में होता है। इट इज पेरिफेरल ग्रैनुल्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स में आरएनए होता है और प्रोटीन होती है, और इनके बीच का जो रेशियो है इट इज 2:1, यानी आरएनए की वैल्यू प्रोटीन से इस ग्रेन्यूल्स में ज्यादा होती है।
ये पेरिफेरल इसलिए होते हैं कि वेरी छोटे होते हैं, छोटे होने पे सेल में साइड्स पेरिफेरल साइड में पाए जाते हैं। बीज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर स्मॉल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, ये स्मॉल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और इनको हम लोग पार्स फाइब्रोसा कहते हैं। दीज आर फाइब्रिल्स ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अगेन ये राइबो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं एंड दीज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोलस। मैट्रिक्स इज द फ्लूइडल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस। दीज फाइब्रिल्स ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स दैट इज पार्स फाइब्रोसा आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोनेमा, जिनकी लेंथ करीब 50 nm होती है। द थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज पार्स एमार्फा। पार्स एमार्फा इज नथिंग, इट इज एमार्फस, एमार्फस फ्लूइडल सबस्टेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। द फ्लूइडल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज एमार्फस इन नेचर एंड इट इज नेम्ड एज पार्स एमार्फा। द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज क्रोमेटिन। दिस क्रोमेटिन इज मेडअप ऑफ डीएनए। द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन सेल कैन बी आइडेंटिफाइड बाई ए स्पेसिफिक स्टेन नोन एज फुएलजेन। इट मीन्स द क्रोमेटिन पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज फुएलजेन पॉजिटिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस विच कंटेन आरडीएनए। आरडीएनए होने के नाते न्यूक्लियोलस बनवाता है, कैन हेल्प फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए एंड आरआरएनए इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम के बनने में न्यूक्लियोलस हेल्प करेगा और इस वजह से न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियोलस ऑल्सो कंटेन्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड ऑर्थोफॉस्फेट। याद रखना है न्यूक्लियोलस इज रिच इन ऑर्थोफॉस्फेट्स। न्यूक्लियोलस इज एमेम्ब्रेनस। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर से कवर नहीं है, फिर भी यह इंटैक्ट न्यूक्लियस के अंदर कैसे बना रहता है। एंड फॉर दिस फंक्शन कैल्सियम आयन्स कीप्स न्यूक्लियोलस इंटैक्ट। राइबोसोमल स्ट्रक्चर वॉज मेंटेन्ड बाई मैग्नीशियम आयन। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है कैल्सियम आयन से। एक और बात, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स इन लेट प्रोफेज एंड रीअपियर्स इन अर्ली टेलोफेज। द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस इन लेट प्रोफेज एंड रीअपियरेंस इन अर्ली टेलोफेज इज नोन एज न्यूक्लियोलर साइकिल। हर सेल डिवीजन में ऐसा होता है बट दिस न्यूक्लियोलर साइकिल इज फाउंड एबसेंट इन सेल डिवीजन ऑफ युग्लिना, स्पायरोगायरा एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। लास्ट में न्यूक्लियोलस का काम क्या है? पहला, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और तीसरा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस इज रिगार्डेड एज राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि राइबोसोम जो बनवाएगा उसी को हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहेंगे। न्यूक्लियोलस दो पार्ट में भी पढ़ा लिखा समझा जाता है, उसमें से एक को हम लोग ट्रू और दूसरे को फाल्स बोलते हैं। ट्रू न्यूक्लियोलस का नाम प्लाज्मोसोम है। प्लाज्मोसोम इज ट्रू न्यूक्लियोलस विच इज स्टेन्ड विथ एसिडिक डाई।
while karyosome is false nucleolus, which is stained with basic dye. Nucleolus जो acidic dye से stain होता है उसको हम true nucleolus कहते हैं, जो basic dye से stained होता है उसको हम false nucleolus कहते हैं. Thank you so much. अपनी query देते रहिए, हम पूरा improvement करने का प्रयास करेंगे.